अगेब पे कल की चर्चा के बाद उनकी कविताएं मैंने आप लोगों के साथ साझा की थी। असाध्य वीणा जो है वो उनकी लंबी कविता है, उस पे अलग से हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन बाकी जो कविताएं हैं अगे की विशेषता की बात करते हुए हम लोग बाकी कविताएं आज उनकी खत्म कर लेंगे। असाध्य वीणा पे हम लोग अलग से कल एक व्याख्यान करेंगे। तो आप लोगों को जो कविताएं अगे की आप लोगों ने पाठ्यक्रम में जो मुझे बताई थी, तो वो असाध्य वीणा को छोड़ के बाकी तीन कविताएं हैं, दो या तीन कविताएं हैं, वो आज हम लोग पूरी करेंगे। लेकिन उसके पहले अज्ञे की कवि के रूप में उनके भाव बोध, उनकी दृष्टिकोण, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। और अज्ञे किस समय कौन सी कविता लिख रहे हैं वो समझना भी बहुत जरूरी है। उस समय का जो प्रभाव था, उस समय की जो परिस्थितियां थी, उनके अनुकूल ही अज्ञे का आकलन सही से हो सकता है। तो थोड़ी चर्चा हम लोग अज्ञे के बारे में, फिर से उनके भावबोध के बारे में करेंगे, उसके बाद हम लोग सीधे अपनी कविता पे आ जाएंगे। अज्ञे को जब भी आप पढ़ें तो आप ये मान के चलें कि अज्ञे की काव्य में आधुनिक भावबोध बहुत है। और जब मैं आधुनिक कहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो परंपरा और संस्कृति से जुड़े नहीं है, उससे जुड़े हुए हैं, तभी शायद वो इस आधुनिक भावबोध तक पहुंच पाए। और एक विद्यार्थी के रूप में जब आप उन्हें पढ़ेंगे तो आधुनिक भावबोध के रूप में अज्ञे की कविताओं की विशेषता, उनकी संवेदना जब आप समझ लेंगे, तभी आप अज्ञे का सही मायनों में मूल्यांकन कर पाएंगे। और अज्ञे को पढ़ते हुए जब भी आप पढ़ें तो ये ध्यान रखें कि छायावादोत्तर कविता के परिप्रेक्ष्य में जो है उनका आकलन का जो समय है, उसकी शुरुआत जो है, उस रूप में भी हमें उनको देखना होगा। आरंभिक कविताओं में अज्ञे छायावाद के प्रभाव से मुक्त नहीं है, उसका प्रभाव उन पर भी पड़ा है, लेकिन वो नएपन का आग्रह भी देखा जाता है। मतलब पुराना प्रभाव है लेकिन उस प्रभाव के साथ नएपन का आग्रह भी दिखाई देता है। छायावाद के अंत के साथ प्रगतिवाद आ जाता है। यह 1935 से 1936 तक का समय है। अज्ञे जो है वे प्रगतिशील लेखक संघ के आयोजनों में उस समय जो है उपस्थित रहे, लेकिन व्यक्तित्व की स्वतंत्रता शीघ्र ही उनका प्रमुख आग्रह बनी तथा 1943 में उन्होंने तार सप्तक का संपादन उन्होंने शुरू किया, जो हम लोग कल उसकी चर्चा कर चुके हैं। तार सप्तक में कवि अज्ञे का अपना वक्तव्य और संपादक अज्ञे का वक्तव्य प्रयोग और अन्वेषण को कविता का महत्वपूर्ण प्रयोजन बना देता है। प्रयोग और अन्वेषण, शोध और प्रयोग, तो ये जो प्रयोग धर्मिता है, अज्ञे जिस प्रयोग धर्मिता की बात करते हैं, वो शुरू से उनके अंदर थी। वे कविताओं के साथ प्रयोग करना चाहते थे, नई चीजों को मौका देना चाहते थे, वे कुछ नया खोजना चाहते थे। ये जो अज्ञे की दृष्टि थी वो उन्हें खास बनाती। प्रगतिवाद सामाजिक चेतना के साथ अपने काव्य भूमि का निर्माण करता है। प्रयोगवाद की मुख्य समस्या नए अनुभव, नए मूल्यबोध और भाषा शिल्प के नए प्रयोग की है। तो अज्ञे के यहाँ ये सारी चीजें आपको दिखाई दी। अज्ञे को कवि के रूप में पढ़ने के लिए दूसरा सप्तक की भूमिका, इस अंश को ध्यान में रखें कि दूसरा सप्तक 1951 की भूमिका में वे भूमिका के शब्द हैं कि वस्तु और शिल्प दोनों के क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है, चाहे वो कविता का शिल्प हो या उसकी उसकी वस्तुगत विवेचना हो, दोनों में जो है आपको फलप्रद होता है, मतलब वो महत्वपूर्ण होता है। राग वही रहने पर भी रागात्मक संबंधों की प्रणालियां बदल गई हैं। कवि नए तथ्यों को उनके साथ नए रागात्मक संबंध जोड़कर नए सत्यों का रूप दे, यही नई रचना है। नए सत्य क्या होते हैं? सत्य उद्घाटित होता है। नए सत्यों के साथ पुराने सत्य खारिज नहीं हो जाते, वो एक नया उद्घाटन है और वही साहित्य का, काव्य का, कविता का सौंदर्य भी है। तो अज्ञे के साथ ये चीज हमेशा आपको देखने की मिलेगी कि अनुकूलन की दृष्टि, पद्धति विकास और चीजों का समायोजन, चीजों के साथ प्रयोग, और प्रयोग जो आदमी प्रयोग करेगा, जो अन्वेषण करेगा, उसकी दृष्टि आधुनिक होगी ही। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं
कि जब आप उनकी आधुनिक दृष्टि की बात करें तो आप ये ना समझें कि उनके अंदर वो सारी जो सांस्कृतिक पक्ष था वो उससे अपने आप को काट के कहीं और जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो अपनी उन्हीं विचारों को अधिक अग्रगामी बनाते हैं और ये अग्रगामी बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें उसमें वो सहारा किसका लेते हैं, अन्वेषण और प्रयोग का। जैसे उनकी एक पंक्तियां है, अगर आपको ये याद हो कि अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नब की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के फोर की निहार हुई टटकी कली चप्पे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला है या कि सुना है या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। मुझे लगता है ये पंक्तियां कलगी बाजरे की उनकी जो कविता है उसमें है, और वो ये कह रहे हैं कि उपमान मैले हो गए, जो प्रतीक आज तक हम इस्तेमाल करते रहते हैं, जैसे किसी बर्तन को बहुत ज्यादा मांजने से उसका मुलम्मा छूट जाता है, ठीक उसी तरह से ये बासी हो गए हैं। अब हमको नए उन्हीं चीजों को व्यक्त करने के लिए, उन्हीं रागों को प्रकट करने के लिए हमको नए भावबोध की आवश्यकता है। इसके लिए उन्होंने प्रयोगवाद और नई कविता का सहारा लिया। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्भ बरामद माता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। इस तरह की चीजें जो है उन्होंने लिखी। प्रयोगवाद में रोमांटिक और आधुनिक दृष्टि का द्वंद्व भी उनके यहाँ दिखाई देता है। वैयक्तिकता तथा सामाजिक सरोकार के संबंध और द्वंद्व भी उनके यहाँ दिखाई देता है। मूल्य बोध और समकालीन कविता के साथ एक तरह की निरंतरता स्थापित करने का काम अके ने किया। उन चीजों को भी आप उनके यहाँ देखते हैं कि जब वो लिखते हैं कि मैं आस्था हूँ, मैं तो निरंतर उठते रहने की शक्ति हूँ, मैं व्यथा हूँ तो मैं मुक्ति का श्वास हूँ। तो ये कहीं ना कहीं समकालीन कविता जिस तरफ जा रही थी, मतलब कविता में खाली एक तरह का यूटोपिया रच देना वो कविता नहीं है, बल्कि कविता अपने अर्थ में और अपने संदर्भों में कितना ज्यादा खुलती है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अज्ञेय कहीं ना कहीं जो है इन सारे प्रयोगों और अन्वेषणों से लगातार गुजरते हुए, जब आपकी आपका जो संग्रह है 60-61 के आसपास आते हैं, और तब उनके अंदर वो आत्मबोध और जीवन दृष्टि ज्यादा पैनी नजर आती है, ज्यादा फैली नजर आती है, ज्यादा विस्तारित नजर आती है। और ये भी समझना होगा कि अज्ञेय का आत्मबोध आत्मलीनता तक सीमित नहीं है, कि अपने अंदर डूब जाना उनका आत्मबोध नहीं है, वो अपने आत्म को ही इतना, अपने स्व का ही इतना विस्तार कर देते हैं कि उस स्व के अंदर वो पूरा परिवेश आ जाता है जिस परिवेश में वे जीते हैं। और ये एक महान कवि से इसी बात की अपेक्षा होती है कि वो आत्मबोध में आत्मलीन न हो जाए, वो सेल्फ सेंट्रलाइज न हो जाए, बल्कि वो अपने स्व को इतना विस्तृत कर दे कि उसका फलक व्यापक हो जाए, उसमें आसपास का जल जीवन चर अचर सब कुछ उसमें समाहित हो जाए, और वो उनके भावों को एक साथ जो है अपनी कविताओं में अपने साहित्य में व्यक्त करें। तो अज्ञेय का आत्मबोध जो है आत्मलीनता तक सीमित नहीं है, ये समझने की महत्वपूर्ण बात है। आप हमेशा अनुभव करेंगे कि अज्ञेय का आत्मबोध व्यक्ति सत्य और व्यापक सत्य के बीच एक नया संबंध बनाता है, कि जो मेरा सत्य है और जो व्यापक सत्य है, जो पूरे समाज और परिवेश का सत्य है, उनके बीच संबंध बनाना, खाली अपने सत्य के लिए जीना जो है वो कहीं ना कहीं कविता का विषय नहीं हो सकता। हमें उस पूरे समय और परिवेश के सत्य के साथ अपने आप को बांधना होगा, जोड़ना होगा, और ये जोड़ना ही जो है वो यात्रा है जो मनुष्यता की तरफ की यात्रा है, जिसपे हम लोगों को लगातार निरंतरता बनाई रखनी है, जिसपे निरंतर हम लोगों को आगे बढ़ना है। अज्ञेय जीवन से प्रेम करते हैं, पर इस प्रेम को निसंग विषम्य सा भाव बताते हैं। जीवन सुंदर है, आश्चर्यजनक रूप से सुंदर है, पर जरूरी है कि जीवन को सीधे देखें, कांच में से न देखें। कांच में से देखेंगे तो रूपों में भटक जाएंगे। कहने का मतलब, कांच में से देखना मतलब
जीवन सहज है, सरल है, और जीवन कैसे जीना है उसमें अपने जीवन को आप जहां जी रहे हैं उस परिवेश के साथ जोड़कर जीना है। अगर खाली अपने लिए आप जिएंगे तो आप वही अपने चश्मे से देखेंगे, अर्थात अपने स्वार्थों के सपनों के वशीभूत होकर जीवन को देखेंगे, तो आपके भटकने की संभावना ज्यादा रहेगी। आप अपने लिए जीते हुए ये आप कब अपने अपने में, आप कितने अपने में डूब गए हैं, आप कितने आत्म केंद्रित हो गए हैं, ये आपको पता भी नहीं चलेगा, और बहुत बड़े जीवन के फलक से आप अपने आप को काट लेंगे। तो उसी तरफ आगे इशारा कर रहे हैं कि जीवन सहज है, सरल है, लेकिन इसको सीधे देखें, वन टू वन देखें, कांच में से न देखें, कांच के रूपों में आप भटक जाएंगे। कहने का मतलब, अपने सपनों अपनी इच्छा को खाली हम प्रमुखता देकर जब जीवन को जीना चाहेंगे तो निश्चित तौर पे हम भटकाव के रास्ते पे पहुंच जाएंगे, जीवन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। सोन मछली कविता जो है उनकी यही चीज उन्होंने उसका जो है सिंबॉलिक तरीके से इसी चीज को दर्शाया है। प्रतीक नया है पर नया नहीं है पर अर्थ नया है। जैसे मछली का प्रतीक पहले भी इस्तेमाल होते रहा है लेकिन उसमें वो नया अर्थ देते हैं। जैसे कविता की पंक्तियां हैं सोन मछली की, कि हम निहारते रूप, कांच के पीछे हाफ रही है मछली, रूप दृशा भी और कांच के पीछे है जीजी विशा। यहाँ मछली का प्रतीक सत्य के अन्वेषण में सहायक है, अज्ञेय के जीवन दृश्य के प्रमुख संदर्भ है व्यक्ति स्वातंत्र और व्यक्ति का व्यक्तित्व का विसर्जन। अब व्यक्ति का स्वातंत्र और व्यक्तित्व का विसर्जन मतलब स्व की जगह जो है उसका विस्तार करके उससे सबसे जोड़ना, या अहम का विलयन और आत्मदान, जैसा पहले अज्ञेय की कविताओं में यह दीप अकेला नदी के द्वीप के उदाहरणों में देखा जा सकता है। व्यक्तित्व एक और विराट सामाजिकता के प्रति समर्पित है और दूसरी तरफ जो है वे आत्मबोध की भी बात करते हैं, अपने सपनों की भी बात करते हैं। तो ये जो दोनों चीजों को साध ले रहा है कवि, ये उनके सृजनात्मकता के वे स्रोत हैं जो उनको विशेष बनाते हैं। तो आपको इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। और आंगन के पार द्वार 1961 तक आते आते आप देखेंगे कि उनकी कविताओं में जो चीज सबसे अलग मतलब जो उसके विकास के सोपान है, मतलब भग्नदूत जो उनका 1933 में आया और आंगन के पार द्वार जो 1961 में आया, तो आप देखेंगे कि 1961 में आते आते उनकी दृष्टि की उनके स्व का विस्तार बहुत ज्यादा हो जाता है। और इसीलिए आपके आपके पाठ्यक्रम में जो कविताएं दी गई हैं, आप जब भी उनको देखेंगे तो आप ये चीज समझ पाएंगे कि वो हमेशा अपने परिवेश से उदाहरणों को उठाते हुए उनसे अपने आप को जोड़ते हैं। जैसे दो तीन कविताएं जो आपको दी गई हैं, आप उसमें ये सारी चीजें देखेंगे। अज्ञेय की जीजी विशा उन्हें एक नए मानववाद के कवि के रूप में देखने के लिए प्रेरित करती है। यह केवल धारणा या विचार नहीं, जीवन बोध है, सजग काव्य बोध है। जैसे ये जो कविता है आपकी बना दे चितेरे की अंतिम पंक्तियों में वे लिखते हैं कि तू अंतहीन काल के लिए फलक पर टांग दे, क्योंकि यह मांग मेरी मेरी है कि प्राण के एक एक जिस जिस बुलबुल की ओर मैं हुआ हूँ उद्रग, वह अंतहीन काल तक मुझे खींचता रहे। तो इन प्रतीकों को समझने की जरूरत है, उनके उनके भावबोध और संवेदनाओं को समझने की जरूरत है। वो किस तरह से समय का बोध कराते हैं, स्वाधीन चेतना का बोध कराते हैं, प्रकृति प्रेम सौंदर्य आत्मदान मृत्यु का अनुभव कराते हैं, ये सारी चीजें प्रेम का अनुभव कराते हैं, ये सारी चीजें हमको जो है उनके माध्यम से सीखने को मिलेंगी। और उनकी कविताओं में ये सारे उदाहरण हमको बार बार देखने को मिलेंगे। तो हम लोग पाठ्यक्रम की जो पहली कविता है आप लोगों के, उस कविता की तरफ चलते हैं। और उस कविता के को पढ़ते हुए हम देखेंगे कि अज्ञेय किस तरह जो है अपना विस्तार जो है इन तमाम कविताओं को रचते हुए अपने स्व का विस्तार, अपने आत्मबोध का विस्तार, अपनी आधुनिकतावादी दृष्टि का विस्तार, और इन सब के बीच में वो समन्वय किस तरह से स्थापित कर पा रहे हैं, इन सब की चर्चा वो किस तरह से करते हैं, वो देखना महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों ने
कविता मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। आप लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने कल कविता डाली हुई थी, अगर आप देखेंगे तो वहां पे वो कविता आपको मिल जाएगी पूरी की पूरी। और उसके पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि अगर आपके पास टेक्स्ट नहीं है तो कम से कम आप वहां पे पूरी कविता पढ़ सकते हैं, और जब कविता आपको पढ़ाई जा रही है तो उस समय अगर वो कविता आपके सामने रहती है तो निश्चित तौर पे वो एक भावबोध और समझ विकसित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मैं ये, अगर आप लोगों के पास कविता ना हो तो क्या मैं ये स्क्रीन शेयर कर दूं आप लोगों के साथ? स्क्रीन शेयर करने की जरूरत है सर? है तो कविता जो आपने भेजा था व्हाट्सएप पे है ना? हाँ सर, ठीक है। नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये पूरी की पूरी कविता ही जो है आप लोगों के साथ मैं साझा कर दूँ। कविता कोश में है ये कविता, एक मिनट, वो सामने कविता रहेगी ना तो आप लोगों को उसे समझने में भी आसानी होगी, और उसमें कुछ चीजें आपको पूछनी होंगी तो आप पूछ सकते हैं। मैं इसे साझा कर रहा हूँ। ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर, दिखाई दे रहा है। जी सर, ठीक है। अब हम लोग ये कविता पढ़ेंगे और ये कविता आप लोगों को दिखाई दे रहा है। बना दे चितेरे, आप लोगों का जो काव्य संग्रह है आंगन के पार द्वार 61 में जो काव्य संग्रह आया है, और इसी पे उन्हें पुरस्कार भी मिला अकादमी का। तो ये कविता हम एक बार पढ़ते हैं और फिर मैं इसके अर्थ के बारे में हम लोग सोचेंगे। बना दे चितेरे, मेरे लिए एक चित्र बना दे। पहले सागर आंख विस्तीर्ण प्रगाढ़ नीला, ऊपर हलचल से भरा, पवन के थपेड़ों से आहत, शत शत तरंगों से उद्वेलित, फेनोर्मियों से टूटा हुआ किंतु प्रत्येक टूटन में अपार शोभा लिए हुए, चंचल उत्कृष्ट जैसे जीवन। हाँ, पहले सागर आंख, नीचे अगाध अथाह असंख्य दबावों तनावों खींचों और मरोड़ों को अपनी द्रव एक रूपता में समेटे हुए, असंख्य गतियों और प्रवाहों को अपने अखंड सैथर्य में समाहित किए हुए स्वायत्त अचंचल जैसे जीवन। सागर आंख, कर फिर आंख एक उछली हुई मछली, ऊपर अधर में जहां ऊपर भी अगाध नीलिमा है, तरंगोर्मिया है, हलचल और टूटन है, द्रव है, दबाव है, और उसे घेरे हुए वह अविकल सूक्ष्मता है जिसमें सब आंदोलन स्थिर और समाहित होते हैं। ऊपर अधर में हवा का एक बुलबुला भर पीने को उछली हुई मछली, जिसकी मरोड़ी हुई देह वल्ली में जिसकी जिजीविषा की उत्कट आतुरता मुखर है, जैसे तड़िलता में दो बादलों के बीच के खिंचाव सब कौंध जाते हैं, व्रज अनजाने अप्रसूत असंधित सब गल जाते हैं, उस प्राणों का एक बुलबुला भर पी लेने को उस अनंत नीलिमा पर छाए रहती है जिसमें वह जन्मी है, जी है, पली है, जिएगी, उस दूसरी अनंत प्रगाढ़ नीलिमा की ओर विद्युतता की कौंध की तरह अपनी इयत्ता की सारी आकुल तड़प के साथ उछली हुई एक अकेली मछली। बना दे चितेरे, यह चित्र मेरे लिए आंख दे, मिट्टी की बनी, पानी से सींची, प्राणाकाश की प्यासी, उस अंतहीन उदिशा को तू अंतहीन काल के लिए फलक पर टांग दे, क्योंकि यह मांग मेरी है, मेरी है प्राणों के एक, जिस बुलबुले की ओर मैं हुआ हूँ उद्रग, वह अंतहीन काल तक मुझे खींचता रहे, मैं उद्रग ही बना रहूं, जाने
कब वह मुझे सोख ले। और ये कविता यहाँ पे उनकी पूरी हुई, इतनी भावों से भरी हुई और इतने सारे बिंबों, प्रतीकों और अर्थों से भरी हुई कविता लिखना ये अज्ञेय के बस की ही बात थी। और शायद ये उनकी वही विशेषता थी जो उन्हें दूसरे कवियों से खास बनाती है, विशेष बनाती है, और वो हिंदी साहित्य में अन्य कवियों की बजाय की जगह अपना एक विशेष स्थान बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मोटे तौर पे कविता में समुद्र का वर्णन है और समुद्र के बीच से एक मछली का वर्णन है जो पानी की द्रव्यता से निकलकर अपने शरीर की पूरी शक्ति के साथ ऊपर उछली है और पानी की एक बूंद शायद जो ऊपर आई है उसको उसको वो पा जाए उसकी ललक में। मतलब उस पानी, जिस पानी से वो 24 घंटे घिरी हुई है उसी से निकलकर वो वापस क्या उस एक बूंद पानी के लिए ही आई है या इस सौंदर्य के माध्यम से, इस भावबोध के माध्यम से वो कितने नए अर्थों को उद्घाटित करना चाहते हैं उनको समझने की बहुत जरूरत है। फिर से हम लोग ये कविता को देखेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि अज्ञेय दरअसल किन चीजों की तरफ इशारा जो है कर रहे हैं। और जब आप ये कविता पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान में रखें कि ये 1960 का समय है, है ना, 1960-61 का समय है और उस समय में अज्ञेय इस तरह की कविताएं लिख रही हैं जहां पे अज्ञेय के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो प्रयोगधर्मी हो गए हैं, वो नए नए अन्वेषण करते हैं, वो नए विचारों को आत्मसात करते हैं। तो इन सारी चीजों के बरक्स, इन सारी चीजों के परिप्रेक्ष्य में अज्ञेय की कविता ये देखनी है। वो कहते हैं कि बना दे चितेरे मेरे लिए एक चित्र बना दे, जो जो चित्रों को बना सकता है, चित्रों का निर्माण कर सकता है, जो एक सुंदर छवि बना सकता है, वो कहते हैं कि तुम मेरे लिए एक चित्र बना दो। और चित्र किसको बनाना है, जो चितेरा है, कहने का मतलब जो उस चीज को समझता है, उसको जिसके पास उसको देखने की एक खास दृष्टि है, उससे वो ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप मेरे लिए एक चित्र बना दे। लेकिन चित्र बनाने की शर्त क्या है, अब वो नीचे उस शर्त की बात करते हैं कि अगर कोई चितेरा मेरे लिए एक चित्र बनाना चाहे तो उसे क्या क्या करना पड़ेगा वो देखिए। वो कहते हैं, पहले सागर आंख विस्तीर्ण प्रगाढ़ नीला ऊपर हलचल से भरा, मतलब वह सागर जो प्रगाढ़ है, अगाध है, नीला है और जो ऊपर हलचल से भरा है, पवन के थपेड़ों से आहत है, जिसमें लगातार पवन के थपेड़े पड़ते हैं, सैकड़ों तरंगों से उद्वेलित, बहुत सारी तरंगे उस पर आती हैं, लहरें आती हैं, बहुत सारी लहरें टूटती हैं, बिखरती हैं, किंतु प्रत्येक टूटन में अपार शोभा है। लेकिन इसमें भी एक सौंदर्य है, लहरें उठती हैं और उठ के किनारों से टकराती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, फिर से उठती हैं, लेकिन इसमें भी एक शोभा है, चंचल उत्कृष्टता है, ठीक वैसे ही जैसे कि जीवन। अब बताओ उस समुद्र के क्रियाकलापों को उन्होंने किसका उदाहरण दे दिया, जीवन का। तो जैसे जीवन, तो जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, विस्तीर्ण प्रगाढ़ नीला, मतलब जो विस्तृत हो, अगाध हो, जो हलचलों से भरा हुआ हो, जिसमें कितनी भी थपेड़े आए, मतलब कितनी भी मुसीबतें आए, लेकिन उत्साह की तरंगे लगातार जो है उठती रहे, वो टूटेंगी बिखरेंगी लेकिन उनका सौंदर्य बना रहेगा, कहने का मतलब वो लगातार प्रयास करती रहेंगी और प्रयास करते रहते हुए, कर्मशील रहते हुए, आगे बढ़ते हुए, यह जीवन जीना ही जो है जीवन को एक अर्थ देता है, गहराई देता है, सौंदर्य देता है। मैंने बहुत पहले आप लोगों को बोला था कि लाइफ इटसेल्फ हैज नो मीनिंग, जीवन का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, बल्कि उस जीवन को अर्थ से भरना होता है, आपको अपने जीवन को एक अर्थ देना होता है। तो वो अर्थ आप कैसे देते हैं, अपने श्रम से, अपने परिश्रम से, अपने कार्यों से, अपने विचारों से, अपने सपनों को साकार करके। तो जो सपने देखेगा, जो श्रम करेगा, वो क्या थपेड़ों से डर जाएगा, वो क्या लहरों की तरह छोटे मोटी उसे जो
असफलता मिलेगी क्या उससे उससे डर जाएगा? नहीं, वो लगातार निरंतर प्रयास करते रहेगा और ये जो छोटी छोटी जो है उसके जीवन में जो कठिनाइयां हैं उससे वो निराश नहीं होगा, बल्कि और उनसे प्रेरणा लेके और ज्यादा मेहनत करेगा। जैसे कि निराला ने कहा कि आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, कि अगर और अधिक श्रम की जरूरत है तो और अधिक श्रम करो, लेकिन एक श्रमशील व्यक्ति जो है उस जिसका जीवन हलचल से भरा है, जिसका जीवन थपेड़ों से भरा है लेकिन उसके अंदर तरंगे बार बार उठ रही हैं, वो टूट कर बिखरता नहीं है बल्कि फिर उठ खड़ा होता है और अपने संघर्ष के लिए, अपने जीवन की कठिनाइयों के लिए, अपने सपनों के लिए संघर्ष करता है। तो ऐसे संघर्षशील व्यक्ति के जीवन का ही कोई अर्थ है, अन्यथा उसमें निरर्थकता है, जीवन का कोई अर्थ नहीं है। तो वो वही कह रहे हैं कि ऐसे जीवन का होना ही महत्वपूर्ण है जैसा कि जीवन किसका है, सागर का, या दूसरे अर्थों में जैसे सागर का जीवन है उसी तरह हम हमारा भी जीवन होना चाहिए। तो वो सागर के को एक प्रतीक, एक सिंबल बना देते हैं जीवन का, या जीवन को एक प्रतीक बना दे रहे हैं सागर का। तो यहाँ पे उन्होंने एक नया प्रयोग किया है, जैसे वो सागर के थपेड़ों, उसकी लहरों, उसके टूटने बिखरने और फिर से चलायमान हो जाने को हमारे जीवन के सौंदर्य से जोड़ दे रहे हैं। तो ये बड़ा सुंदर है कि सागर और जीवन दोनों को यहाँ पे उन्होंने एक कर दिया। तो वही वो कह रहे हैं कि मेरा मेरे लिए जो चित्र बनाए वो पहले सागर को देखे कि सागर किस तरह से जीता है, उस तरह से जीवन जीने का सौंदर्य जो है, जिसको उसमें समानता नजर आए, सौंदर्य नजर आए, वही मेरे लिए चित्र बनाए। इतनी बात समझ में आई? अब हम लोग आगे जाते हैं कि उन्होंने जीवन और सागर को एक कर दिया। आगे वो कहते हैं, हाँ पहले सागर आ, फिर से उसी बात को जोड़ दे रहे हैं कि पहले सागर आंख नीचे अगाध अथाह असंख्य दबावों तनावों खींचों और मरोड़ों को अपनी द्रव एक रूपता में समेटे हुए। अब यहाँ भी देखो, अब हर चीज को आपको जीवन से छोड़ना है कि दबाव है, तनाव है, और कितना है, अथाह है, मतलब बहुत सारा है, लेकिन बावजूद उसको आप अपनी द्रव एक रूपता में समेटे हुए। कहने का मतलब, अगर आप किसी चीज को लेके, किसी विचार को लेके, किसी बात को लेके आप बहुत कठोर हो जाएंगे तो कठोरता के कारण आप वो दबाव झेल नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप द्रव रूप में उसको झेलेंगे तो निश्चित तौर पे आप उसके साथ एक तादाम्य बना लेंगे। तो कहने का मतलब, हमें किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा आग्रह नहीं पालना चाहिए, समय के साथ, परिस्थिति के साथ, काल के अनुसार उस हमको उसके साथ एक सामंजस्य बनाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर चाहे वो घर परिवार की बात हो, चाहे वो विचारधारा की बात हो, अगर हम द्रव की तरह उसको समेटेंगे इन सारे मरोड़ों, दबावों और तनावों को जो जीवन में है, तो निश्चित तौर पे हम उस पर विजय पाएंगे। लेकिन अगर हम खुद रिजिड हो जाएंगे, हम फ्लेक्सिबल होने के लिए तैयार ही नहीं है, तो हम उस दबाव को कभी झेल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए वो द्रव रूप में कह रहे हैं कि पानी द्रव है, इसीलिए वो तमाम इन दबावों को जो है सह लेता है, बर्दाश्त कर लेता है और उसमें एक रूपता लाकर सबको अपने अंदर समाहित कर देता है। आगे देखिए, अपनी द्रव एक रूपता में समेटे हुए असंख्य गतियों और प्रवाहों को अपने अखंड सधैर्य में समाहित किए हुए स्वायत्त अचंचल जैसे कि जीवन, इन तमाम दबावों को अपने द्रव रूप में समाहित करके वह स्वायत्त है, मतलब उसकी एक अलग पहचान है और यहाँ भी वो चंचलता नहीं दिखा रहा है। ठीक वैसे ही जीवन, जैसे जो आदमी बाहर से बहुत सहज सरल लगता है, धीर गंभीर लगता है, उसके उसके सामने परिस्थितियां कितनी भी आ जाए वो घबराता नहीं है। उसके चेहरे के भाव भंगी का माँ को देख के आपको लगेगा नहीं कि अरे ये इससे बहुत विचलित हो गया, या कोई दुख की बात से बहुत ज्यादा इतना दुखी हो गया कि वो मूर्छित होके गिर पड़ा। नहीं, वो इन सारी चीजों को झेलने की, उन सारी चीजों को बर्दाश्त करने की अपने अंदर एक शक्ति विकसित कर चुका है और वो शक्ति उसके अंदर है, इसीलिए वो उन सारी चीजों के प्रभाव में नहीं आता,
बल्कि उन सबको अपने अंदर समाकर उनके ऊपर यथोचित निर्णय लेने के लिए मानसिक रूप से दृढ़ संकल्प हो जाता है। और ऐसे ही जीवन को होना चाहिए। कवि जिस जीवन के बारे में बात कर रहा है उसको इसी तरह होना चाहिए। तो पहले तो उन्होंने सागर की पहला चित्र खींचा जहां पे सागर की चंचलता है और दूसरी तरफ उसकी आंतरिक द्रव्यता और अचंचलता का है। दोनों का अपना महत्व है और दोनों ही होने चाहिए। जैसे सागर में ये दोनों गुण हैं, उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी ये दोनों गुण होने चाहिए। तभी मनुष्य जो है एक रैशनैलिटी के साथ अपने जीवन में सकारात्मक निर्णय लेने के स्थिति में हमेशा आगे बढ़ सकता है। तो ये दोनों उदाहरण उन्होंने दिए, पहला सागर की बाह्य स्थितियों का, फिर उसकी आंतरिक स्थितियों का, और इसको जोड़ दिया जो है आपके जीवन और स्वभाव से। ऐसा जीवन जिस जीवन के का चित्र वो अंकित करना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं किसी चितेरे से, लेकिन ये चित्र वही बना पाएगा जिसके अंदर इस तरह का दृष्टिकोण होगा जिस तरह का दृष्टिकोण अज्ञेय के अंदर है, वो ये दृष्टिकोण वो अपनी इस कविता के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। आगे देखिए, आगे वो क्या कहते हैं कि सागर आंक कर फिर आंक एक उछली हुई मछली। मतलब इस सागर में तो तुम आ गए, तुम ये समझ गए कि जीवन कैसा है ना, जीवन को बाह्य रूप से कैसा होना चाहिए, मनुष्य को आंतरिक रूप से कैसा होना चाहिए, सबको द्रव रूप में समाहित करना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए, खुशी में न बहुत ज्यादा खुश न दुख से प्रभावित, है ना, सब भाव बोध एक समान। और इस जीवन को आंकने के बाद उसे और क्या देखना है, एक उछली हुई मछली, सागर से एक मछली जैसे उछलती है ऊपर अधर में, ऊपर वो उछलती है जहां ऊपर भी अगाध नीलिमा है और जहां पे वो है वहां भी नीलिमा है, सागर का पानी भी नीला दिखाई दे रहा है और ऊपर भी नीलिमा है, आकाश भी जो है नीला है, तरंगोर मिया है, हलचल और टूटन है, द्रव है, दबाव है और उसे घेरे हुए वह अविकल सूक्ष्मता है जिसमें सब आंदोलन स्थिर और समाहित होते हैं। ऊपर अधर में हवा का एक बुलबुला भर पीने को उछली हुई मछली, और वह मछली ऊपर उछलती है। आप लोगों को मालूम है मछलियां पानी से निकल के ऊपर क्यों निकलती है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है खींच सके। तो वही इसीलिए वो कहते हैं कि हवा का एक बुलबुला भर पीने को, हवा का बुलबुला मतलब जीवन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर खींच सके उसके लिए वो बाहर उछलती है। हवा का एक बुलबुला भर पीने को उछली हुई मछली जिसकी मरोड़ी हुई देह बल्ली में उसकी जिजीविषा की उत्कट आतुरता मुखर है। और वो जिस तरह से उछलती है, जितना श्रम लेती है, उससे ये दिखता है कि उसकी जिजीविषा कितनी तगड़ी है, कि अंदर के तमाम मुश्किलों को झेलते हुए वो अपने जीवन को जीने की उसकी जो ललक है वो कितनी तीव्र है। तो हमारे अंदर भी वो वैसी ही ललक होनी चाहिए आगे बढ़ने की, ऊपर उठने की, और जो इस जीवन को जीने के लिए जो जरूरी है वो ऑक्सीजन लेने के लिए हमें भी जीवन में इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए। जैसे तड़िलात में दो बादलों के बीच खिंचाव सब कौंध जाते हैं, वज्र अनजाने अप्रसुत असंधित सब गल जाते हैं, उस प्राणों का एक बुलबुला भर पी लेने को उस अनंत नीलिमा पर छाए रहते ही जिसमें वह जन्मी है, जी है, पली है, जिएगी, उस दूसरी अनंत प्रगाढ़ नीलिमा की ओर विद्युलता की कौंध की तरह अपनी इयत्ता की सारी आकुल तड़प के साथ उछली हुई एक अकेली मछली। अब यहाँ पे थोड़ा मुझे मतलब मैं जिस तरह से समझ पा रहा हूँ इस कविता को, ये यहाँ से अलौकिक से परावलौकिक मतलब फिजिकल से मेटाफिजिकल की भी बात कर रहे हैं कि हम इस संसार में जन्मे हैं, इस संसार की तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए, संघर्षों को करते हुए हम अपनी एक पहचान बनाते हैं, अपनी एक आइडेंटिटी बनाते हैं और हम जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए हमें जो ऊर्जा का स्रोत है, वो ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो हम जब ये मानते हैं कि हमारा स्रोत क्या है,
हम कहाँ से आए हैं, हमारे परमपिता कौन है, है ना, वो क्या उनसे हमें शक्ति मिलती है जो 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 इस धरा को चला रहा है, जिसने इस प्रकृति का निर्माण किया है, जो हम सबका पिता है, जो हम सबका पितामह है, क्या उसके प्रति ललक जब हमारे अंदर जागती है तो हम उससे जुड़ने का प्रयास करते हैं, और जब उससे जुड़ने का प्रयास करते हैं तो सारी सांसारिक चीजों से ऊपर उठ जाते हैं। तो ये जो मछली का उछलना है सागर से, दरअसल सागर की जो नीलिमा, देखो यहाँ भी वही कितना कितना सुंदर वर्णन है, समुद्र में जो नीलिमा है वो नीलिमा कहाँ से आई है, वो आकाश की जो नीलिमा, जो आकाश है वो दोनों एक दूसरे को नीला करके दिखा रहे हैं। तो उसी तरह ये प्रकृति भी जो है उस ईश्वर का एक रूप है, और उस ईश्वर को पहचान के जब हम उसको पाने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो तड़प, वो ललक जो ही जो है हमको ऊर्जा देती है। मतलब हम तड़प तो रहे हैं, हम संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन हम इसी ललक और इसी तड़प से हमें वो ऊर्जा मिलती है जो वापस इस संसार में हमको ज्यादा अच्छे से अपने स्व का विस्तार करते हुए, अपनी आत्म केंद्रियता को कम करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हम समझते हैं कि सब एक समान है, सब ईश्वर की संतान है, और हमें सबके साथ प्रेम, दया, करुणा, ममता का व्यवहार करना चाहिए। ये हम तभी समझते हैं, इस संसार के अगर मोह माया में बंध के रह जाएंगे खाली, तब शायद नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इस संसार की तमाम परिस्थितियों को साधने के बाद, आंकने के बाद, मतलब सागर को आंकने के बाद, जब आप ऊपर उठेंगे, संघर्ष इन सारी परिस्थितियों से अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पे आप परमपिता परमेश्वर के साथ अपने एक संबंध को स्थापित कर पाएंगे, और जब उनके साथ आप अपने संबंध को स्थापित कर पाएंगे तो आप वापस जब इस संसार में लौटेंगे, मछली तो उछली है थोड़े ऑक्सीजन के लिए, वापस इसी संसार में गिरेगी, लेकिन उसको जो ऊर्जा मिल जाएगी, उस ऊर्जा के साथ वो और बेहतर तरीके से संसार में जीवन जी पाएगी। ठीक वही हमारी भी स्थिति है कि जब हम इस चीज को समझ लेंगे तो वो जो ऊर्जा मिलेगी, जो मेटाफिजिकल है, अलौकिक है, वो इस लौकिक संसार में जीने के लिए हमें और ज्यादा शक्ति प्रदान करेगी। बहुत ही सुंदर कविता है, आगे देखिए। फिर वो कहते हैं, बना दे चितेरे यह चित्र मेरे लिए आंख दे, मतलब अब ये चित्र अगर आप चितेरे हैं, चित्रकार हैं, तो बना दे कि मैं इस संसार में रहूं, संसार में संघर्ष करूं, संघर्ष के साथ अपने जीवन में अर्थ भरूं, और जब भी मुझे कोई परेशानी हो तो मैं उस परम पिता, इस संसार से ऊपर उठने के लिए मैं उस परम पिता के साथ अपने संबंधों को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ूं, जहां से मुझे शक्ति मिले, और वो शक्ति संचित करके वापस मैं इस संसार में ज्यादा बेहतर तरीके से अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकूं। तो इस तरह का चित्र अगर आप तुम मेरे लिए बना सकते हो तो बना दो। मिट्टी की बनी, पानी से सींची, प्राणाकाश प्राणाकाश की प्यासी, उस अंतहीन उदिशा को तू अंतहीन काल के लिए फलक पर टांग दे। आसमान पे तुम ये चित्र अगर बना दो कि ये जो पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर है, ये संसार है, वो जिस प्राणाकाश के लिए प्यासा है, इस प्यास को, इस उदिशा को अगर तुम टांग सको तो फलक पर टांग लो, क्योंकि यह मांग मेरी 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 है कि प्राणों के एक जिस बुलबुले की ओर मैं हुआ हूँ उद्रग, वह अंतहीन काल तक मुझे खींचता रहे, कि मैं जिस एक बूंद के लिए, जैसे वो मछली उछलती है, उस एक बूंद के लिए जो मैं इस संसार से ऊपर उठा हूँ, मतलब संसार में रहकर भी जब मैं संसार से ऊपर उठने की बात कर रहा हूँ, वो जीवन काल तक मेरे अंदर बना रहे। कहने का मतलब ये भावबोध बना रहे, ये शक्ति बनी रहे कि हम क्या है, इसका ज्ञान होता रहे कि हम कितनी बड़ी सत्ता का एक अंश है, जो उस ज्ञान को, उस शक्ति को संचित करने के लिए, समझने के योग्य बनाए रखने के कारण जो है हम इन संसार को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट हो रही हैं कि संसार से ऊपर उठकर संसार को समझना, लेकिन यही जीवन है। इस ये जो प्यास है, इस प्यास को अगर तुम बनाए रख सको तो हमेशा बनाए रखो, यही मेरी मांग है। मैं उदग्रही बना रहूं, जाने कब वह मुझे सोख ले, कि मैं उसके साथ मिलने के लिए, उस परम पिता को पाने के लिए हमेशा तड़पता रहूं, उससे शक्ति अर्जित करते रहूं, उसकी कृपा पाते रहूं, और जाने कब वह मुझे सोख ले,
मतलब कब मैं एक आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाए, कब मैं उसमें समाहित हो जाऊं मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसकी ललक उसकी प्यास मेरे अंदर हमेशा बनी रहे, ताकि वो प्यास भी बनी रहेगी तो मैं उस प्यास के लिए और ज्यादा मेहनत करूंगा, और मेहनत फिर क्या होगी, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा मानवीय बनाऊंगा, और जितना ज्यादा मैं अपने आप को मानवीय बनाऊंगा इस संसार की में रह के, इस संसार से जुड़े हुए रहकर भी मैं संसार का को की सेवा भी कर पाऊंगा, और इस सेवा का जो सुख है इस सुख से भी मुझे शक्ति मिलेगी, और ये शक्ति मुझे और ज्यादा शक्तिशाली बनाएगी कि मैं अपने परम पिता की तरफ और एक कदम और आगे बढ़ा सकूं। बड़ी सुंदर कविता है, मुझे लगता है आप लोगों को भी जो है इसका अर्थ समझा होगा। आप लोगों को कुछ इस पे प्रतिक्रिया देनी हो तो आप दे सकते हैं। Anyone? सर इस पर एमसीक्यू आप अभी लिखाएंगे या फिर मतलब नोट्स देंगे? एमसीक्यू इस पे मैं कल मैंने रीना मैडम से बात की थी, तो ये बात हो रही थी कि आप लोग खुद क्यों नहीं निकालते एमसीक्यू। जैसे आपके पास कविता है तो आप में से मान लीजिए 4-5 लोग हैं, एक जन 5 क्वेश्चन निकाले तो भी 25-30 क्वेश्चन बन जाएंगे, और आप वो सारे क्वेश्चन आप मुझे भेजें, मैं उसको देख के ठीक ठाक करके वापस आपके ग्रुप पे डाल दूंगा। तो उस एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप लोग खुद करिए, मेरा कहना ये है, समझ जाओ ना आप को कविता पढ़ा दी गई, समझा दी गई, अब आप इस पे प्रश्न खुद बनाइए। जैसे अभी आप 4-5 लोग जुड़े हैं तो आप लोग खुद जो है इस पे प्रश्न निकालने की कोशिश करिए, एक जन 5-5 क्वेश्चन कम से कम बनाइए, तो 20-25 क्वेश्चन बना के मुझे एक साथ भेजिए, मैं उसको देखूंगा, कुछ उसमें जोड़ूंगा घटाऊंगा, उसे ठीक ठाक करूंगा और वापस आपके ग्रुप में डाल दूंगा। तो इस तरह से अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी तैयारी भी होती रहेगी और प्रश्न भी निकलते आएंगे। ठीक है, मैंने सोचा था कि मैं आज 2 कविताएं पढ़ा दूंगा, लेकिन अगे की एक कविता पढ़ाने के बाद दूसरी कविता पढ़ाने की हिम्मत नहीं बचती। जिस तरह के भावबोध में वो लेके चले जाते हैं और जिस तरह से एक अर्थ के बाद दूसरा अर्थ खुलता है, ऐसे में एक कविता से दूसरी कविता तुरंत पढ़ना संभव नहीं है। तो आप लोग ये कविता पढ़िए, दूसरी कविताएं भी आपके पास हैं, आप एमसीक्यू के क्वेश्चन निकालिए। मैं अज्ञेय के बारे में हम लोग कल जो है उनकी बची हुई कविताएं भी पढ़ लेंगे, और मुक्तिबोध पे भी मैं कुछ अपने वीडियोस और नोट्स आपको शेयर कर रहा हूँ। आपके पास समय हो तो आप मुक्तिबोध को भी पढ़ते रहिए, खासतौर पर उनकी बड़ी कविता अंधेरे में। और कल हम लोग वापस जो है अज्ञेय पे ही बात करेंगे उनकी दूसरी कविता को लेके, और जब तक एग्जाम नहीं होते तो मुझे लगता है कि एमसीक्यू वाला जो मामला है, मैंने पूछा मैडम से तो बोली कि सर एग्जाम के लिए एमसीक्यू तो आपको परीक्षा में जो आएगा आएगा ही, एमसीक्यू क्वेश्चन का क्या पैटर्न है आप जान ही रहे हो कि एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसकी 4 विकल्प होंगे, आपको एक विकल्प पे टिक करना होगा। लेकिन अब आप टीचर से ही ये मेहनत मत कराइए, ये मेहनत आप लोग कराइए। मैं आपको कविता पढ़ा दूंगा, व्याख्या करा दूंगा, उससे समझा दूंगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोग खुद निकालिए। और कल मैंने एमसीक्यू की एक लिंक अज्ञेय के बारे में शेयर की थी, ऑनलाइन मुझे मिल गई थी, तो अगर इस तरह का कुछ ऑनलाइन मुझे मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर कर दूंगा, लेकिन मैं अलग से उस पर प्रश्न निकाल के आप लोगों के साथ शेयर इसलिए भी नहीं करूंगा क्योंकि एग्जाम के लिए प्रश्न हमको ही बनाने रहते हैं, और एग्जाम के पहले आप लोगों के साथ प्रश्न साझा करना ये नैतिक रूप से उचित नहीं है। तो आप लोग खुद प्रश्न बनाइए, पढ़ने लिखने नोट्स में अगर कहीं कोई कमी हो, आपको लगे कि दोबारा व्याख्या की जरूरत है, तो हम लोग वो सब करेंगे, लेकिन प्रश्न मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बना के साझा नहीं करूंगा, मुझे वो ठीक नहीं लग रहा है। तो प्रश्न बनाने की जिम्मेदारी आप लोगों की, कल हम लोग वापस जो है मिलेंगे, मैं लिंक भेज दूंगा और हम लोग जो है अगे की ही अगली कविता पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो